दिनों विराट कोहली एक बार फिर से सुर्खियों में है। आमतौर पर वो सुर्खियों में रहते हैं जब बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हैं और कंसिस्टेंसी उनका सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, लेकिन अब देखा गया है कि विराट कोहली जो है जूझते हुए दिखाई दिए न्यूजीलैंड के दौरे में। महज 38 रन बना पाए हैं चार पारियों में, दो टेस्ट की चार पारियों में, और उनका औसत रहा है 9.50, और हर कोई उन्हें सलाह देने लगा है। और इंजमामुल हक ने भी एक सलाह दी है और कपिल देव ने भी उनको सलाह दी है, जो कि अपने अपने समय जमाने के धाकड़ बल्लेबाज या धाकड़ ऑलराउंडर कपिल देव जो कि टीम इंडिया के कप्तान थे, और वहीं इंजमामुल हक वो भी पूर्व कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के। और इंजमामुल हक ने तो बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि विराट कोहली को किसी भी तरह की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई तकनीक बदलने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी वो बहुत उम्दा खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 70 सेंचुरी ऐसे ही नहीं मार ली। 70 सेंचुरी मारने का मतलब है कि वो तकनीकी तौर पर बहुत ही दक्ष, बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं, और ऐसा बुरा दौर कभी आता है। और उन्होंने कहा कि वैसे भी टीम में अकेले विराट कोहली नहीं थे, और भी बहुत सारे खिलाड़ी टीम में मौजूद थे, और वो सब क्या कर रहे थे। और उनका कहना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड खिलाड़ी हैं विराट कोहली, और उनका पूरा दौर जल्दी ही खत्म होगा और वो धमाकेदार टीम में वापसी करेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा जो कि तकनीकी तौर पर बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हुआ करते थे और पाकिस्तान के मजबूत ऐसे धाकड़ खिलाड़ी थे, टेस्ट क्रिकेट का बेजोड़ खिलाड़ी कहा जाता था उन्हें उस समय, और वो भी अपनी अच्छी बैकलिफ्ट के लिए जाने जाते थे, और गली की दिशा में उनकी जब बैकलिफ्ट थे, जब उनका हाथ आता था, बल्ला आता था, तो उस पर वो अच्छे खासे रन बरसाया करते थे। उनका कहना है कि उनका भी एक बुरा दौर आया था, उनको भी हर कोई सलाह देने लगा था, तब उन्होंने समझाया था मोहम्मद यूसुफ को कि किसी तरह की चिंता ना करें, जैसा वो खेल रहे हैं वैसे खेलते रहें, और थोड़ा सा ये बुरा दौर भी निकल जाएगा। और ऐसे ही उनका बुरा दौर भी निकल गया, और ऐसे ही बुरा दौर विराट कोहली का भी निकल जाएगा, और वो धमाकेदार वापसी करने में पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि उन्होंने 70 सेंचुरी बनाई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जो मजाक नहीं है, इसलिए उनको किसी भी तरह की सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कपिल देव, जी हाँ, 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान, उन्होंने भी सलाह दी है विराट कोहली को। उनका कहना है कि 30 की उम्र के बाद रिफ्लेक्सेस कमजोर होने लगते हैं, आई साइट कमजोर होने लगती है, ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी बल्लेबाज अपने निरंतर अभ्यास करें। जो गेंद स्विंग होकर आती थी उस पर वो कभी फ्लिक किया करते थे, फ्लिक करा कि वो माहिर माने जाते थे, और उस पर वो अच्छे खासे रन भी बटोरते थे, लेकिन अब उस ऐसी गेंदों पर वो जूझते हुए दिखाई दिए हैं। दो मौक़ों पर तो वो आउट भी हुए हैं इसी दौरे में। उन्होंने उदाहरण दिया राहुल द्रविड़ का, उन्होंने उदाहरण दिया वीरेंद्र सहवाग का, और उन्होंने उदाहरण दिया विवियन रिचर्ड्स का। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो 30 की उम्र के बाद जिन्हें आई साइट और रिफ्लेक्सेस दोनों की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनका कहना है कि इस समस्या से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप निरंतर अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, तो आप ऐसी तमाम कमजोरियों से, तमाम परेशानियों से दूर हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इंजमामुल हक की राय में कितना दम है और कपिल देव की राय में कितना दम है विराट कोहली के संदर्भ में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।